नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते होंगे आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज के वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि जो साथी मेरे ITI फिटर ट्रेड से किए हैं और जो रेलवे में टेक्नीशियन के लिए आपके लिए भर्ती आया है, उसमें से कौन से ऐसे पांच जोन है जो आपके लिए सेव होगा और आपको 8 प्रकार के पोस्टों पर टोटल फॉर्म फिलअप करना है। साथ में इस वीडियो में बताएंगे जो 3927 पोस्ट आपके लिए है वो किस RRB में कितने पोस्टों पर भर्ती है। साथ में ये भी बताएंगे इस वीडियो में कि सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप कौन से RRB में हो रहा है। केवल रजिस्ट्रेशन नंबर देखकर फॉर्म फिलअप नहीं करना है कि यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पर कम हो रहा है, क्योंकि ट्रेड वाइज भर्ती है और ट्रेड वाइज कट ऑफ भी आता है। इसलिए आप जिस ट्रेड से हैं, कोशिश ये करना है कि पहले इसको अच्छे से समझ लेना है कि आपके ट्रेड में किस RRB में कितनी भर्ती है, तब फॉर्म फिलअप करना है। और इस 8 पोस्ट में सबसे पहली प्राथमिकता किस पोस्ट को देना है ये भी बताएंगे। और बहुत जल्द इस चैनल पर जो 40 अंक का आपका जनरल साइंस पूछा जाएगा उसका फ्री ऑफ कॉस्ट बैच चालू करने जा रहे हैं। इसलिए जो साथी मेरे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को कमेंट करना मत भूलिएगा। किसी भी तरह का प्रश्न होगा जरूर कमेंट करके पूछिएगा। चलिए अब हम एक एक चीज़ को बता रहे हैं, बता दिए कि मुख्य रूप से इस वीडियो में क्या चीज़ के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, रेलवे टेक्नीशियन में मेरे भाई इस बार आपका 9144 पोस्टों पर भर्ती आया है, जिसमें से 3927 पोस्ट जो है फिटर ट्रेड वालों के लिए है। और फिटर ट्रेड से जो लोग ITI किए हैं वो 8 प्रकार के पोस्टों पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 8 प्रकार के पोस्ट कौन कौन से हैं पहले वो देखिए। ब्रिज है, CNW डीजल मैकेनिक है, इलेक्ट्रिकल TRS है, EMU है, फिटर है, परमानेंट वे है, ट्रेक मशीन है। अब ये जो 8 प्रकार के, जब आप वो सिलेक्ट कीजिएगा फिटर, तो आपको ये 8 प्रकार का पोस्ट दिखाई देने लगेगा। अब है कि पहली प्राथमिकता किसको दीजिएगा। पहली प्राथमिकता आप फिटर अपना ट्रेड को दे दीजिएगा, उसके बाद बाकी सभी को सजा लीजिए, लेकिन पहला प्राथमिकता आपको फिटर का ही देना है। ये चीज़ आप समझ गए। अब चलिए आगे समझा रहे हैं आपको कहाँ पर कितना भर्ती है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप हो रहा है, आपको कहाँ पर फॉर्म फिलअप करना चाहिए ये भी बताएंगे। देखिए, अगर भर्ती का बात किया जाए, RRB अहमदाबाद में आपका 371 पोस्ट पर फिटर वालों भाइयों के लिए भर्ती है। दूसरा जो आपका RRB है अजमेर में आपका 271 पोस्ट पर टोटल भर्ती है। उसके बाद है बेंगलोर में आपका 19 पोस्टों पर भर्ती है। उसके बाद है भोपाल में 158 पोस्टों पर आपका भर्ती है। उसके बाद है भुवनेश्वर में आपका 48 पोस्टों पर भर्ती है। उसके बाद अगला जो आपका RRB है उसका नाम है बिलासपुर में आपका 261 पोस्टों पर भर्ती है। अगला RRB आपका है चंडीगढ़। देखिए, चंडीगढ़ में आपका 40 पोस्टों पर भर्ती है। चंडीगढ़ में कितने, 40 पोस्टों पर भर्ती है। अगला है चेन्नई। देखिए, चेन्नई में आपका 508 पोस्ट पर भर्ती है। उसके बाद देखिए RRB गोरखपुर में आपका 120 पोस्टों पर भर्ती है। उसके बाद गुवाहाटी देखिएगा तो 170 पोस्टों पर भर्ती है। और जम्मू में देखिएगा तो 150 पोस्टों पर आपका भर्ती निकला है। उसके बाद कोलकाता में देखिएगा तो 174 पोस्टों पर आपका भर्ती है। वही मालदा में आपका 52 पोस्टों पर भर्ती है। वही मुंबई में देखिएगा तो 694 पोस्टों पर आपका भर्ती निकला है। वही अगला आपका मुजफ्फरपुर में 48 पोस्टों पर भर्ती निकला है। पटना में आपका 215 पोस्टों पर भर्ती निकला है। अगला RRB का बात किया जाए प्रयागराज में तो 115 पोस्टों पर भर्ती है। उसके बाद रांची में 149 पोस्टों पर आपका भर्ती है। वही सिकंदराबाद में 267 पोस्टों पर आपका भर्ती है। वही सिलीगुड़ी में आपका 29 पोस्टों पर भर्ती है। और तिरुवनंतपुरम जब देखिएगा तो यहाँ पर 82 पोस्टों पर भर्ती है। यानी 3927 जो पोस्ट है ये आपको 21 RRB में डिवाइड करके बता दिए कि कहाँ पर कितना है। अब आप देखिए कि सबसे ज़्यादा जो आपका फॉर्म फिलअप है वो कौन से RRB में
हो रहा है। सबसे ज़्यादा जो आपका फॉर्म फिलअप है, एक नंबर में सबसे ज़्यादा लड़का कर रहा है आपका मुंबई, क्योंकि बिहार यूपी वाले बच्चों का पसंद होता है मुंबई और साउथ, और देखिए मुंबई में भर्ती भी ज़्यादा है। तो एक नंबर में 694 यानी पोस्ट है मुंबई में आपका, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो आपको थोड़ा सा सावधानी बरत कर फॉर्म फिलअप करना है, क्योंकि एक बार फॉर्म फिलअप करने के बाद आप RRB चेंज नहीं कर सकते हैं। तो मुंबई में 694 पर सबसे ज़्यादा आपका फॉर्म फिलअप हो रहा है। दो नंबर पर बोले कि साउथ बच्चों का पसंद रहता है, यहाँ पर भर्ती भी है। दो नंबर पर देखिए आपका चेन्नई है, चेन्नई में आपका 508 पोस्टों पर है, और यहाँ पर भी अच्छा खासा आपका फॉर्म फिलअप हो रहा है। तीन नंबर पर जो आपका RRB है जिसका नाम है अहमदाबाद, देखिए अहमदाबाद में आपका 371 पोस्टों पर भर्ती है, और यहाँ पर भी फॉर्म अच्छा खासा हो रहा है। तो मेरे भाई ये नहीं है कि इस तीन RRB में भर्ती है, आपका 3927 पोस्ट है। अब इस तीन RRB को आप छोड़िए, यहाँ पर जो भर रहा है उसको भरने दीजिए। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हैं, तो ये तीन RRB छोड़ के फॉर्म फिलअप कीजिए, आपका कट ऑफ कम जाएगा। क्योंकि देखिए जब तीन RRB में सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप होगा तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ ही जाएगा। ये नहीं है कि इसी तीन RRB में सब भर्ती है, ये है कि इसमें 200-400 ज्यादा सीट है, 100-200 और जगह 100-200 कम है। तो मेरे अनुसार आपको कहां फॉर्म फिलअप करना चाहिए ये बता रहे हैं, अच्छे से देख लीजिएगा तब फॉर्म फिलअप कीजिएगा। देखिए मेरे अनुसार जो अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो पहला आपको सजेस्ट करेंगे, देखिए रेड से जो सजेस्ट कर रहे हैं फर्स्ट नंबर पर, आप सिकंदराबाद में कर सकते हैं। कहां पे? सिकंदराबाद आपके लिए अच्छा जोन रहेगा, क्योंकि एवरेज भर्ती है 267। सबकी ध्यान नहीं जा रहा है, सबका ध्यान जा रहा है 694 पोस्ट पर, 508, 300। अब देखिए यहाँ 371 है, ज़्यादा हो रहा है, लेकिन यहाँ 267 है तो कम हो रहा है। तो आपको इस तरह के RRB को चूज करना है। दो नंबर पे जो आपको हम RRB सजेस्ट करेंगे, वो आपको RRB सजेस्ट करने जा रहे हैं अजमेर। देखिए अजमेर में भी कर सकते हैं, 271 पोस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर एवरेज भर्ती रहती है वहाँ का कट ऑफ कभी हाई नहीं रहता है, कभी लो नहीं रहता है, एवरेज में ही रहता है। तीसरा जो आपको RRB सजेस्ट करेंगे, आप भोपाल में भी कर सकते हैं। आपको 5 RRB हम अपने तरफ से सजेस्ट करने जा रहे हैं। चौथा जो आपका RRB है वो आपका है बिलासपुर, क्योंकि बिलासपुर में देखिए 261 पोस्ट है, यहाँ पर भी सबकी नज़र नहीं जा रही है, आप यहाँ से भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। पांचवा आपका गुवाहाटी, ये रेड से जो 5 RRB का नाम लिखे हैं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा, आप 5 में से कोई एक चूज करके फॉर्म फिलअप कर दीजिए। और ब्लू से जो 3 लिखे हैं मुंबई में 694 पोस्ट, वहाँ से बचना है। चेन्नई में 508 पोस्ट, यहाँ से बचना है। और अहमदाबाद में जो आपका है 371 पोस्ट, 71 पोस्ट, यहाँ से बचना है। इस तरह से फॉर्म फिलअप कीजिए, आप मेरे साथ जुड़िए, रेलवे में टेक्नीशियन में सफलता जरूर दिलाएंगे, क्योंकि एक एग्जाम है, 40 अंक का जनरल साइंस बेहतरीन ढंग से पढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।